जिन लोगों के पास ये पुराने वाले सिक्के पड़े हुए हैं, 1 रुपए के मोटे वाले सिक्के जो निकल वाले बनाए गए थे, ये सिक्के अगर आपके पास में हैं तो आप इन सिक्कों को अभी बेच सकते हैं। इनकी कीमत क्या मिलेगी उसके बारे में बताऊंगा, और जो सबसे ज्यादा महंगा सिक्का बिकता है उसके बारे में बताऊंगा। सभी सिक्के रेयर नहीं होते हैं, कुछ सिक्के रेयर होते हैं जो मतलब कुछ लो विंटेज की वजह से रेयर होते हैं, कुछ सिक्के एरर की वजह से रेयर होते हैं। तो चलो इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हमारे पास में निकल वाले सिक्के पड़े हुए हैं और हम बेचना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि इन सिक्कों की वैल्यू रियल में कितनी चल रही है, क्या अभी ये सिक्के बिक सकते हैं या नहीं बिक सकते। कुछ सिक्कों की जानकारी मैंने पहले एक वीडियो में दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसका गलत तरीके से यूज किया, मतलब जिस सिक्के की जानकारी दी है वो सिक्के सेंड नहीं करते हैं, कुछ दूसरे सिक्के सेंड करते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना, कहीं पे भी मिस मत करना, नहीं तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 1 रुपए के सिक्के 2 अलग अलग साल में बनाए गए थे, 1950 और 1954, 1954 निकल धातु से बनाए गए थे 1 रुपए के सिक्के, और इनका वजन होता है 12 ग्राम के आसपास, 11.7 ग्राम, और 28 mm के आसपास इसकी जो साइज होती है वो होती है सिक्के की, और 2.65 mm थिकनेस होता है सिक्के का। तो ये तो है इस सिक्के की फिजिकली डिटेल, 1 रुपए के सिक्के अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस टाइम पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1950 से, 1950 में जारी किया गया ये मुंबई मिंट का सिक्का कितनी वैल्यू दे सकता है। 1950 में जारी किया गया 1 रुपए का निकल वाला सिक्का आपके पास होगा अगर आपने देखा होगा तो, और अगर आपने नहीं देखा तो ऐसा दिखेगा आपको, मोटा वाला सिक्का होता है और इसकी साइज बड़ी होती है। 1950 में जारी किया गया 1 रुपए का ये सिक्का आपको वैल्यू दे सकता है 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक, फाइन कंडीशन में 100-150 रुपए तक होता है, और यूएनसी कंडीशन में 300-350 रुपए तक इसकी वैल्यू होती है। बाकी आप किसी से भी खरीदेंगे तो इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, आप खरीदने के जाएंगे तो शायद इसकी वैल्यू ज्यादा मांगेंगे, आप बेचेंगे तो इसकी वैल्यू आपको कम मिलेगी, ऐसा होता ही है, ये आपको पता है। इसके बाद में बात करते हैं 1954 में जारी किया गया ये वाला सिक्का, इसको देखे ध्यान से, एक 1950 में जारी किया गया था, एक ये वाला 1954 में जारी किया गया था। 1954 में जो 1 रुपए का ये सिक्का जारी किया गया ये बहुत ही रेयर सिक्का माना जाता है। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यही सिक्के कुछ साल पहले उतने ज्यादा रेयर नहीं थे 1954 के, और मिल भी जाते थे, लेकिन अभी ये सिक्के नहीं मिल रहे हैं। इसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, वीडियो की मतलब जो जानकारी होती है उसके हिसाब से बहुत सारे लोग मतलब अपने पास जमा कर लिए, और कुछ कलेक्टर लोग भी हैं इनका कलेक्शन कर करके रख लिए हैं। तो फिर भी मैं आपको बताऊंगी इसकी वैल्यू आज के टाइम पर कितनी चल रही है। 1954 में जारी किया गया ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में परचेज करने पर 5000 तक की वैल्यू देनी पड़ सकती है, यूएनसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अब इसमें फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपको 1500 रुपए तक भी मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में फिर इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाती है, 3000-3500 ऐसे लेते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि कंडीशन वाइज इनकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है, लेकिन जो रेयर होता है वो हमेशा रेयर ही होता है, और 1954 का 1 रुपए का सिक्का है मुंबई मिंट का जो आप देख रहे हैं, ये सिक्का बहुत ही कीमती सिक्का है। अगर किसी के पास में है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम @rj23 पर, और सेल करना है जिनको वो लोग भी सेल कर सकते हैं। एक चीज और बता देता हूँ, इसमें 1950 का जो 1 रुपए का सिक्का मैंने बताया है ये मैं आपसे नहीं खरीदूंगा, आप मुझे इसको सेंड करेंगे कि हमें सेल करना है, तो इसको मैं आपसे नहीं खरीद सकता। आपके पास अगर यूएनसी कंडीशन में है नया सिक्का है तो मैं आपसे ले लूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैल्यू फिर वो मतलब जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से ही होगी। लेकिन 1954 का किसी के पास में है तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगा, ये वीडियो की जानकारी मैंने इसके लिए दी कि मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने फोटो भेजी है, और मेरे पास 2-3 सिक्के आए हुए भी हैं, जो सिक्के मेरे पास में आए हैं उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी वैल्यू भी उसके हिसाब से ही हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।